जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल और आप देख रहे हैं एशी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह की वीडियो आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, इसको स्किप ना करें और इसको पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है। सिर्फ इतना है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी। अगर आप इस वीडियो पर बने रहें तो आप भी ये वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि डेली वीडियो अपडेट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जाना है अपने काइंड मास्टर ऐप में, प्लस आइकन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रेडियो शीट चूज़ कीजिए। रेडियो चूज़ करने के बाद आपको जाना कहा कि आपको मीडिया ओपन करना है। मीडिया ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है ब्लैक कलर का। मैं तो ब्लैक कलर का चूज़ करूँगा। आप किस हिसाब से जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिर आपको देना है उस बैकग्राउंड को ड्यूरेशन, टाइम, आपका कितने सेकंड का गाना है, कितना मिनटों का गाना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरा जो गाना है वो है 20 सेकंड का बैकग्राउंड ड्यूरेशन। रखने के बाद म्यूज़िक ऑडियो सेलेक्ट करना है आपको। ऑडियो में जाकर अपना जो भी कोई म्यूज़िक है, गाना है, उसके जहाँ भी फोल्डर में है उस फोल्डर को ओपन करके उस गाने को आपको ऐड करना है, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि आप वो जो गाने का लेयर रहता है, लिरिक्स, आपको टाइप करना है। लेकिन टाइप करने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, तो क्योंकि वो कैसा है, गलती हो सकती है। तो आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाके अपने आपको उस गाने का लिरिक्स जो है वो सर्च करना है। जैसा मेरा गाना है जिनके लिए हम रोते हैं, नेहा कक्कर का गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। तो ये देखिए, मैंने इसको सर्च कर लिया है। तो पूछ रहा था हिंदी में, नहीं हिंदी नहीं यार, इंग्लिश में। हिंदी में भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास उसके फ़ोन नहीं है। तो ये जो आ गया है अपना गाना, इसको करना है आपको कॉपी। हो सके तो ज़्यादा कीजिए कॉपी, क्योंकि कैसा है कि आपके गाने में कौन से डॉलर आते हैं वो पता नहीं चलता है, आगे पीछे रहता है। तो आपको नोट पैड में उसको कॉपी कर लेना है, हर किसी के मोबाइल में रहता है। तो मैंने क्या है, नोट पैड ओपन, उसमें उसको कर दिया है पेस्ट। अब अपने गाने की पहली जो लाइन है वो लाइन आपको कॉपी कर लेनी है। तो मैंने ये कहा कि जिनके लिए हम रोते हैं ये वाली लाइन में कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जाना है काइंड मास्टर ऐप में। टेक्स्ट अपना ओपन ही रहेगा, उस पर टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे और जितना आपको डायलॉग दिखाना है उन डायलॉग को कट कर देंगे और जो रहेगा उसको रहने देंगे। जिनके लिए ओके, तो उसको हम देंगे फ़ोन देंगे। मैं कुछ इस तरह का फ़ोन रखने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर उसका कलर देना है, कलर में कुछ ग्रीन कलर का दूंगा, आपको ग्रीन कलर का ही लेना है या फिर ब्लू कलर का लीजिए। शैडो जो है उसको डिसेबल कर दीजिए, अपने हिसाब से उस टेक्स्ट का साइज रख दीजिए। साइज रखने के बाद आपको करना क्या है कि इन एनिमेशन देना है इसको, कि आपका जो टाइटल है टेक्स्ट का वो कैसा प्रेजेंट करेगा गाने के हिसाब से। तो मैं कुछ एनिमेशन दूंगा, बाद में आपको देना है आउट एनिमेशन। अब वो गाना जब लाइन ख़त्म होगी और दूसरी लाइन आएगी तो वो कैसा दिखना चाहिए, तो इसको चला के देखेंगे। अब यहाँ तक मेरा जो गाना का लिरिक्स है यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दूंगा कट मार्क। कट करने के बाद अगला जो पोर्शन है उसमें अगली लेयर को हमको ऐड करना है। तो ये वाली है मेरी अगली वीडियो, सॉरी यार, अगली लिरिक्स। तो उसको अभी हम कुछ इस तरह से एडिट करके डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये मैंने किस तरह से करना है आपको, कि कलर जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, उसमें टेक्स्ट जो है ग्रीन कलर का डालना है, अपने अपने हिसाब से आपको फॉर्म देना है, फिर इन एनिमेशन आउट एनिमेशन इसका तालमेल बिठाना है। तो जितना भी अपना वीडियो है उसको आपको ऐसे ही कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को स्किप करता हूँ, अगली प्रोसेस आपको बता दूँगा। इस वीडियो को स्किप करने का कारण ये है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन प्रोसेसिंग जो है वो एंड में आपको बताऊँगा, आपको ऐसे ही करते आना है। तो थोड़ा सा काम बाकी रह गया है दोस्तों। देखिए आप इसे, इसको इन एनिमेशन आउट एनिमेशन देना है, टेक्स्ट को कलर देना है, टेक्स्ट का फॉर्म देखना है और एक लास्ट का जो रह गया है उसको एक कटऑफ देने का है। यहाँ पे कटऑफ देखिए आपको
चेहरे का तो देने के बाद अब ये जो टेक्स्ट है आपका उसको डाल देना है वहाँ पे। तो यहाँ का जिन उनकी जो है वो कट कर लेना है और उसको डाल के आपको सेट करना है, इन एनिमेशन देना है, तो नेक्स्ट में आउट एनिमेशन देना है। ओके, तो ये सब होने के बाद आपको क्या करना है कि इसको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको शेयर का बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद वेट करना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्टिंग प्रोसेस चालू है आपको देख के होगा। तो अपन वापस आने के बाद जो कुछ भी आपने लेयर बनाए थे इसमें वो सबको डिलीट करके देना है। म्यूजिक भी डिलीट कर देना है, कुछ नहीं रहने देने का है, सिर्फ आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। अब आपको जाना है लेयर में। ओके, लेयर में जाके, मीडिया में जाके आपको चूज़ करना कि अभी आपने जो एक्सपोर्ट फाइल की थी उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है, जो कि मेरी ये वाली है। इसकी जो साइज़ है आपको बढ़ानी है, ये जो आपको दिख रहा है ना लाल कलर का बटन, उसको क्लिक करने के बाद रेड हो रहा है, उसको क्लिक कीजिए और आगे वाले का फुल स्क्रीन वाला रख दीजिए। रखने के बाद आपको जाना है क्रोमा की का यूज़ करने का, उसमें इनेबल कर दीजिए, की का कलर ग्रीन कर दीजिए। ग्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, अभी इसको कलर में कैसे लाएं? तो कलर में लाने के लिए लेयर में जाएं, लेयर में जाकर मीडिया में जाके और जहाँ पर भी आपका इस तरह का कलर वाला जो कोई फ़ोटो है उसको बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए कि वो स्क्रीन के बाहर तक बड़ा होना चाहिए। फिर इसको दीजिए ओवरऑल एनिमेशन। ओवरऑल एनिमेशन में स्क्रोल CCW या फिर CW दे सकते हैं, और सॉरी स्किम स्पिन वाला CCW या फिर CW वाला दे सकते हैं। मैं CW वाला रहने दे रहा हूँ। फिर आपको करना क्या है कि उसको लेयर, उसका जो ड्यूरेशन उसका भी बढ़ा देना है, जितना अपना वीडियो है उतना बढ़ा देने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, उसको क्लिक करना है और सेंड टू बैक करना है। सेंड टू बैक इसलिए क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसके पीछे वो लगाने का है। पीछे लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा अंदर, जो कि लगभग अपनी वीडियो बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर आपको करना क्या है कि इसको उसी तरह से सेव करना है, शेयर के बटन पे क्लिक करना है और वही प्रोसेस देख दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से अपना 20 सेकंड का वीडियो तैयार हो चुका है। शेयर पर जाइए, शेयर पे जाने के बाद वही प्रोसेस एक्सपोर्ट पे जाइए। एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, इसको कैंसिल नहीं करना है। एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट होने के बाद आपका जो टेक्स्ट व्हाट्सअप स्टेटस बोलो या फिर किसी और को भेजने का है, किसी के नाम का बनना है तो उसका भी आप बना सकते हैं। तो ये जो फ़िलहाल जो मैंने स्टेटस वीडियो बना ली है ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। MX में जाके इसको चलाऊंगा मैं। तो कुछ इस प्रकार से वो वीडियोस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको आज की ये टेक्स्ट एनिमेशन वाली जो वीडियो है आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियोस चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी डेली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।